बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बाहुबली अनंत सिंह और ललन सिंह की पत्नियों के बीच मुकाबला रोचक होता जा रहा है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह सरीखे, कई नेता मोकामा जाएंगे। नीलम सिंह आरजेडी के टिकट पर महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रही हैं और नीतीश और तेजस्वी की मोकामा के घोसवारी में गुरुवार को जनसभा प्रस्तावित है। मोकामा के साथ गोपालगंज विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। इसके लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों सीटों पर महागठबंधन से आरजेडी ही चुनाव लड़ रही है। मोकामा सीट बाहुबली अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई थी। अब आरजेडी ने उनके पत्नी को ही टिकट दिया है। उनके खिलाफ बीजेपी के टिकट पर बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी मैदान में हैं। पहले खबर आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपचुनाव के लिए प्रचार नहीं करेंगे। सीएम नीतीश और अनंत सिंह के रिश्ते खराब हैं। दोनों सीटों पर जेडीयू के स्थानीय नेता और आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार के लिए लगा दिया गया था। बाद में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का भी दौरा करवाया गया। हालांकि अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार पुरानी बातों को भूलकर अनंत सिंह की पत्नी के लिए प्रचार करने जाने वाले हैं। मोकामा आरजेडी का गढ़ रहा है और महागठबंधन किसी भी सूरत में ये सीट अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता है।